बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, बेबा मरतबा दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर सहाबा इकराम पर। 3 रबी सानी, 8 अक्टूबर और 24 पंजाबी महीना असा की तारीख है और रात के इस वक्त तकरीबन 8 बजने वाले हैं। गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट कभी अप होती है, कभी डाउन होती है और तकरीबन 1500 रुपये पर तोला पीस के रेट में, 1500 रुपये पर तोला रवा पठोर और तजाबी के रेट में कम हुआ है और 1800 रुपये पर तोला केपीके के रेट में कमी आई नजर आई है, 12 ग्राम 150 मिलीग्राम वजन पे। डॉलर कोई 16 पैसे इन दो दिनों में इंटर बैंक के अंदर इजाफा हुआ है, 277 पे 67 पैसे पर क्लोजिंग है और दिरहम वो 4 पैसे इजाफे के साथ 75 पे 59 पैसे पर क्लोजिंग है। सऊदी रियाल 11 पैसे इजाफे के साथ 73 पे 94 पैसे इंटर बैंक की क्लोजिंग है। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है वो 74.61 डॉलर और 78.33 डॉलर ब्रेंट ऑयल है। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है तकरीबन 16 डॉलर पर केजी पर, 31.13 डॉलर पर आउंस है, 1 डॉलर पर ग्राम है अमेरिकी इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत और 101.19 डॉलर पर केजी है अमरीकी। और अगर हम तोले में देखें तो 11.68 डॉलर का 1 तोला चांदी की कीमत बनती है अमरीकी। अगर हम दुबई में देखते हैं तो 44 दिरहम की 1 तोला चांदी, सऊदी अरेबिया में 43 रियाल की 1 तोला चांदी। सऊदी अरेबिया में 15% टैक्स प्लस करके जब आप हिसाब लगाएंगे तो 6.5 आपको 43 में जमा करना पड़ेगा, 50 सऊदी रियाल की 1 तोला चांदी बनेगी सऊदी अरेबिया के अंदर। इंडिया में 977 इंडियन रुपीज का 1 तोला चांदी बनेगी। पाकिस्तान में अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से कन्वर्ट करके रेट बनाते हैं तो 3247 रुपये की 1 तोला चांदी बनती है, जबकि पाकिस्तान में रेट है 3000 रुपये पर तोला, 257 रुपये पर ग्राम और 257,000 रुपये में 1 किलो चांदी। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में कभी मार्केट अप होती है कभी डाउन, 2639 डॉलर पर आउंस है, 84.85 डॉलर पर ग्राम है और 990 अमरीकी डॉलर पर तोला है। अगर हम दुबई में देखते हैं तो 3722 दिरहम का 1 तोला, सऊदी अरेबिया में 3633 रियाल का 1 तोला और इंडिया में 82,800 रुपये का 1 तोला इंडियन रुपीस के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो आज कितनी उसने अप डाउनिंग ली है, 2645 डॉलर पर मार्केट खड़ी थी तो नीचे आई 2642 पर, फिर 2631 डाउन लिया, फिर एक दफ़ा मार्केट अप गई कितनी 2652 डॉलर पर, फिर डाउन लिया 2639 पर, लास्ट टाइम पे जो मार्केट नज़र आ रही है वो 2635 डॉलर पर आउंस है। इस वक्त जो पाकिस्तान में रेट जा रहा है वो 2635 डॉलर पर आउंस है और रेट इन्होंने भेजा है 279,550 रुपये में पीस देने का रेट है, 278,550 रुपये में पीस की खरीदारी है, 276,850 रुपये में रवा पठोर तजाबी देने का रेट है, 276,245 रुपये में रवे पठोर और तजाबी की खरीदारी रखी है। अगर हम इसी रेट के मुताबिक पर ग्राम की कीमत बनाते हैं तो 23,735 रुपये का 1 ग्राम सोना, 288,300 रुपया केपीके के अंदर रेट आएगा, तो केपीके में 290,100 से कम हुआ है तो 1800 रुपया केपीके में कमी आई है और बाकी शहरों में जो रवा और पठौरा है वो 1500 रुपया पर तोला। आज जो जेवरात वालों के लिए रेट बनेगा वो 275,500 रुपया फी तोला बनेगा। तो दोस्तों उस लिहाज से इंटरनेशनल मार्केट जो है वो डाउन शो कर रही है, तो बहरहाल आप लोग ज़रा मोहतात रहिएगा क्योंकि मार्केट ये जो हमले होते हैं ना लबनान वगैरह में इसराइल के और ईरान के मामलात पर, तो जैसे ही कोई इश्तियाल अंगेज़ी का बयान आता है तो मार्केट अप होना शुरू हो जाती है, जैसे कोई थोड़ा सा ठंड पड़ती है तो मार्केट डाउन होना शुरू करती है। ये ऑयल की कीमतों में भी खासा असरअंदाजी इसी वजह से हो रही है और पाकिस्तान में ये जो डॉलर अप हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा पैसों में, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत हाई लेवल पर जा रहा है और ये डॉलर का, तो ख्याल से सारा काम करिएगा। 50-50% तो आपके पास हर वक्त गोल्ड रहना ही चाहिए, इसके तो आप बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 50% कैश और 50% गोल्ड। तो बहरहाल ये है कि हमें
एक दफ़ा फिर खरीदारी का मौका मिलने का चांस लग रहा है। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद।